हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पेपर सॉल्यूशन ऑफ जेई एलआईसी 2012 ऑफ कर्नाटका टेलीकॉम सर्कल। अब तक मैंने आपको बहुत सारे पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं। ये जो हमारा पेपर सॉल्यूशन का सीरीज़ है उसका आज लास्ट पेपर है जिसका हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज इसका हम फुल सॉल्यूशन करेंगे, मतलब मैं आपको टेक्निकल सेक्शन भी करवाऊंगा, डिपार्टमेंट प्रैक्टिस वाला सेक्शन है वो भी करवाऊंगा। फुल सॉल्यूशन जो है मैं आज आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा ये लास्ट पेपर है तो टेक्निकल की भी हम बात करेंगे, डिपार्टमेंट की भी हम बात करने वाले हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टाफ मेट्स के साथ, जो भी एग्ज़ाम देने वाला है उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। दूसरा, अगर आप DRDO सेप्टम की एग्ज़ाम देने वाले हैं तब भी आपका डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन है इसमें, डिग्री लेवल के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेक्निकल सेक्शन में करवाने वाला हूँ उसमें मिल जाएंगे। हाँ, डिपार्टमेंट प्रैक्टिस में जो सेक्शन है वो ओनली रिलेटेड टू BSNL है, वो आप नहीं देखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेरी फर्स्ट, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, 100 क्वेश्चन है, हम सारे 100 क्वेश्चन जो है आज सॉल्व करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 50 मार्क का एंड डिपार्टमेंट प्रैक्टिस का जो 50 मार्क है इसकी हम आज बात जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट सेक्शन जो है उसकी हम बात करते हैं। मटीरियल्स विथ लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर कोल्ड, जिस मटीरियल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उसको क्या कहेंगे, उसको कंडक्टर कहेंगे। यहाँ पे जो आंसर मार्क किया बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन पेपर में आपके जितने भी आंसर मार्क किए हुए हैं वो सारे सही ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऑलमोस्ट सारे पेपर में ऐसा है। अब तक आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, मैंने जो आपको उस क्वेश्चन पेपर के PDF दिए हुए हैं तो उसमें सारे क्वेश्चन सही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो नए हैं उसको उस क्वेश्चन पेपर PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे एक JELICE करके टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको इस क्वेश्चन पेपर के सारे PDF जो है वो मिल जाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, कौन सा एनर्जी सोर्स नहीं है, जनरेटर एनर्जी जनरेट करता है, सोलर सेल, बैटरी, ये सब एनर्जी होता है। रियोस्टेट इसका मतलब होता है रेजिस्टर। हाँ, रियोस्टेट मतलब क्या होता है, रेजिस्टर, जो है वो टाइप नहीं है एनर्जी सोर्स का। रेजिस्टर को एनर्जी सोर्स नहीं है, रेजिस्टर जो है वो एनर्जी कंजप्शन करता है। हाँ, रेजिस्टर क्या करता है, पावर लॉस करता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कंजप्ट करता है, तो उसे सोर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द ब्लैंक ऑर्बिट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है पूरा। हाँ, SP, आप ऐसा पढ़े हो, आप 11th 12th साइंस किए हो तो आपको याद होगा, हाँ, बोर्स मॉडल वगैरह आता था, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑलवेज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पे जैसे कि सिलिकॉन है तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ऐसा मतलब। हाँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा उसमें जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, देखो ऊपर ही मैंने आपको बात की, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्किट ब्रेकर इज, सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर जो है वो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। हाँ, सो आप ऐसा कह सकते हो कि रिसेटेबल प्रोटेक्टिव डिवाइस, यहाँ पे जो आंसर दिया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मिली वोल्ट इन 0.06 किलोवाट, अब देखो आपको क्या करना है, किलोवाट में दिया हुआ है उसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो समझते हैं किलोवाट मतलब होता क्या है, किलो वोल्ट मतलब होता है 10^3, किलो का मतलब क्या होता है 10^3, ठीक है। मेगा मतलब होगा 10^6, गीगा मतलब होगा 10^9, ऐसे ही मिली मतलब होता है 10^-3, ये सब याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके बाद माइक्रो मतलब होता है 10^-6 एंड नैनो मतलब होता है 10^-9, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। हाँ, सो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, अब आपको किलो में दिया हुआ है और मिली में कन्वर्ट करने को बोला है, ठीक है। 10^+3 से 10^-3 में कन्वर्ट करना है ये पूछा हुआ है, देखिए कैसे करेंगे इसकी हम बात करते हैं अब। तो आपको यहाँ पर जो है
वो क्या दिया है 0.06 किलो वोल्ट। इसका मतलब क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको लिख के, 0.06 किलो मतलब इंटू 10^3 वोट ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे किलो को मिली में कन्वर्ट करना है, तो 10^3 मतलब किलो वोट। अब मैंने वोट में लिख दिया, किलो निकाल दिया, हाँ मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 0.06 इंटू 10^3 मतलब 1000 हाँ वोट, ये मैंने वोट में लिख दिया। अब इस वोल्ट को मुझे मिनी वोल्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इंटू 10^-3 करना है। तो इंटू 10^-3 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे इंटू 10^-3 करने के लिए इंटू 10^-3 तो मुझे मिली वोल्ट में मिलेगा, ये हुआ मेरा मिली वोल्ट। लेकिन यहाँ पे इंटू किया है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर मैं किसी चीज़ को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम नंबर से मुझे x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जिस नंबर से मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तभी तो x बाय x इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, मतलब सेम नंबर आपको मिल जाएगा। हाँ तो यहाँ पे 10^-3 डिवाइड बाय 10^-3, तो अब आपको मिली वोल्ट में मिल गया आंसर। यहाँ पे 10^-3 को और ऊपर ले के जाओगे तो क्या होगा, आप ऐसा लिख सकते हो इसको 0.06 इंटू 10^6, हाँ क्या लिख सकते हो इंटू 10^6, ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या होगा चलिए देखते हैं, मिली वोल्ट, हाँ मतलब 10^2, देखो यहाँ पे तो पहले दो जीरो है, हाँ 0.06 लिखने के लिए पहले क्या 0.06 है, हाँ तो 6 डिवाइड बाय क्या लिख सकते हो आप, 6 डिवाइड बाय जो है वो 100 लिख सकते हो, ठीक है। तो 10^6 इंटू 10^4 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10^4 मतलब क्या होगा 60,000 होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन पूछे तो आपको आने ही चाहिए, बहुत सिंपल है। हाँ जिसको मैथ्स नहीं आता है या मैथ्स समझ में नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आराम से आपको सॉल्व करना है, और आपके पास देखो एग्ज़ाम में टाइम तो है, हाँ तो आप सॉल्व तो कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एग्ज़ाम में इनफ टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ईजिली आपको जो है वो सॉल्व कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फोर्थ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 3 रेजिस्टर द टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस ऑलरेडी आपने कनेक्ट किए हुए हैं, 1 मोर रेजिस्टेंस लगा दोगे, दिस 3 रेजिस्टेंस ऑलरेडी कनेक्टेड, इफ़ यू कनेक्ट 1 मोर रेजिस्टेंस, सो पहले अगर 3 रेजिस्टर R थे, सारे RR थे तो 3R था, सीरीज में एक और लगाओगे तो क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इन शॉर्ट सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाओगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द वोल्टेज ड्रॉप एंड द सोर्स वोल्टेज एडेड टूगेदर इन अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू, सारे वोल्टेज ड्रॉप और सोर्स वोल्टेज आपने एक साथ लगा दिए तो क्या होगा सीरीज में। देखिए यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन बताना चाहता है, मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई सर्किट है ऐसा, हाँ एक ये रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका सोर्स वोल्टेज है, हाँ फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स वोल्टेज अगर 10 वोल्ट का है तो क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, हाँ हम थोड़ा सा अच्छे से रेजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे एक रेजिस्टर है, इसके बाद एक और रेजिस्टर है यहाँ पे, तो दो रेजिस्टर है, ठीक है। तो अगर 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस फॉर एग्जाम्पल दोनों RR इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा दोनों के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 5-5 वोल्ट का ही होगा, हाँ ऐसे प्लस और माइनस 5 वोल्ट, प्लस और माइनस 5 वोल्ट। अगर आप सम करोगे सबका KVL लगा के तो क्या होगा, सम करोगे तो वो जीरो ही आएगा, हाँ क्योंकि जितना सोर्स वोल्टेज होता है उतना ही वोल्टेज का ड्रॉप होता है। सो यहाँ पे क्या दिया है, ऑल द वोल्टेज ड्रॉप एंड द सोर्स वोल्टेज एडेड टूगेदर इन एनी सर्किट, हाँ सीरीज सर्किट नहीं कोई भी सर्किट में आप ड्रॉप वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज जो है उसका सम करोगे तो इससे आपका ओवरऑल जो आंसर आएगा वो ऑलवेज जीरो ही आएगा, हाँ इसे कहते हैं कोई भी सर्किट में। मैं आपको दूसरा एक कॉन्सेप्ट बता दूँ जो पूछ सकते हैं एग्जाम में, एनी सर्किट आपका जो टोटल पावर होगा, हाँ सम ऑफ द टोटल एब्सॉर्ब पावर एंड डिलीवर पावर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार जो है वो पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रजिस्टर आर इन सीरीज, अ 5.6 के ओम रजिस्टर एंड अ 4.7 के ओम रजिस्टर,
द वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस द 5.6 के ओम रेजिस्टर इज 10 वोल्ट, ऐसा दिया हुआ है आपके। देखो यहाँ पे क्या दिया है, आपके पास दो रेजिस्टर है और दोनों रेजिस्टर जो है वो सीरीज में है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको दोनों का सम करना पड़ेगा, बिल्कुल सम करना पड़ेगा। तो देखिए 5.6 किलो ओम प्लस 4.7 किलो ओम, टोटल इतना रेजिस्टेंस होगा। लेकिन मुझे क्या टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, नहीं पूछा है, तो ये सम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों सम करूं। अब क्या दिया है, तो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस द 5.6 के ओम रेजिस्टर इज 10 वोल्ट, ऐसा दिया है। तो इसके एक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप दिया है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर का यूज़ करके मुझे करंट मिल जाएगा। हाँ, सो वी इज इक्वल टू आई आर, सो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी कितना दिया है आपको, 10 दिया है, डिवाइड बाय 5.6 के आपको करना है। हाँ, 5.6 के मतलब 5.6 इंटू 10^3 ऐसा आपको करना है। हाँ, तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपको इसी का यूज़ करना है, तो इसको ऐसे रेशियो में ही रहने दो। नेक्स्ट, द वोल्टेज एक्रॉस द 4.7 के ओम रेजिस्टर, ये पूछा है, तो वी इज इक्वल टू आई आर अगेन। तो अब आई आपको पता चल गया है, क्योंकि दोनों रेजिस्टर सीरीज में है तो करंट सेम फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू आपको पता है 10 डिवाइड बाय 5.6 के। देखो आप के को भी ऐसे रख सकते हो, इसलिए मैं 10^3 को ऐसे ही रखा हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आएगा, तो 10^3 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा इंटू 4.7 के, तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा इंटू 10^3। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल बात है, 10^3 कैंसिल हो गया, 4.7 डिवाइड बाई 5.6 करना है। हाँ, तो देखिए 47 डिवाइड बाई 56 इन शॉर्ट करोगे आप, तो 47 जो है वो बड़ा वैल्यू है 56 से, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा ही बड़ा है, तो 10 से छोटा सा कम वैल्यू होगा। हाँ, 10 के मल्टीपल में है इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्या होगा ये रेशियो 10 से थोड़ा सा कम आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आप देखना है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको ये समझ में आ जाए तो। तो ये यहाँ पे एक ही वैल्यू है 8.39, तो आप कैलकुलेट करके देखना है, डिवीजन करके देखना है, तो देख सकते हो, हाँ 8.9 ही आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो थोड़ा सा ही 47/56। हाँ, मतलब नियर टू 56 है, लेकिन एग्जैक्ट 56 होता अगर तो 10 वोल्ट आता, लेकिन थोड़ा सा कम है, तो आपका 47/56 का जो रेशियो है वो लेस देन 10 होगा, लेकिन थोड़ा सा ही लेस देन 10 होगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 है इसलिए। हाँ, मतलब लेस देन मतलब आपको 10 मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपको क्या मिलेगा, 0.89839 ऐसा मिलेगा। 47 डिवाइड बाई 56 करोगे तो 0.839 मिलेगा, इंटू 10 करोगे तो आपको 8.39 जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन एनालॉग ओहम मीटर रीड्स क्लोज टू जीरो। एनालॉग क्या दिया है, ओहम मीटर दिया है। ओहम मीटर हम क्यों यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब आपका जो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो उसमें आपको वैल्यू जीरो मिला, तो क्या होगा, ऐसा पूछा है। इसका मतलब क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस जीरो, इसका मतलब आपका शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है। चलिए सोचिए क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो है इसका मतलब शॉर्ट सर्किट होगा कि ओपन सर्किट होगा, ये आपको यहाँ पे सोचना है। तो आपको यहाँ पे क्योंकि जो दिया है वो दिया है जीरो, इसका मतलब आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो शॉर्ट होगा। रेजिस्टेंस ओपन होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। हाँ, नियर टू जीरो है इसका मतलब क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो 11 में आंसर क्या आएगा, 11 में जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन बी, शॉर्टन इज इक्वल टू राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। अ सर्टेन अप्लायंसेस यूजेस 350 वोल्ट इफ इट इज अलाउड टू रन कंटिन्यूअसली फॉर 24 डेज, हाउ मेनी किलो वोल्ट ऑफ एनर्जी डज इट कंज्यूम, ऐसा दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे सिंपल है, 24 डेज, हर एक दिन में कितने घंटे, 24 आवर, मतलब आपको 24 डेज का 24 आवर काउंट करोगे, टोटल आवर मिल जाएगा 24 डेज का कितना हुआ, देन कितना वोल्टेज दिया है आपको, 350 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं, हाँ पता ही नहीं है पावर क्या होता है, आवर क्या होता है, टाइम क्या होता है, कुछ भी आपको आता ही नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। कैसे सर सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पे यूनिट देखिए, हाँ यूनिट क्या दिया है आपको, फाइंड क्या करना है, किलो वोल्ट आवर फाइंड करना है। तो आपको वोल्ट दिया है,
आवर दिया है, मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब किलो वोल्ट आवर मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। तो क्या करना है, 24 मल्टीप्लाई बाय 24, अब आपको 24 का स्क्वायर आता है, हाँ तो 24 का स्क्वायर हुआ मतलब, तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है। अगर ये आपको आता है तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना है बस, मल्टीप्लाई बाय 350, और ये मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 201.6, क्योंकि किलो वोल्ट है तो 10^3 मल्टीपल में होगा, मतलब 10^3, हाँ तो ये जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। थ्री लाइट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 120 वोल्ट सोर्स, इफ वन लाइट बर्न्स आउट, तीन लाइट कनेक्ट की है मैंने, उसमें से एक लाइट उड़ गई तो क्या होगा, ऐसा पूछा है। अब तीन लाइट है उसमें से एक उड़ जाएगी, पैरेलल में कनेक्ट किया है इसलिए क्या होगा, रिमेनिंग टू लाइट विल ग्लो। हाँ, आपका एलईडी में ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आपके दिवाली पे आप या कोई फंक्शन पे आप घर पे सीरीज लगाते हो तो उसमें से कोई सारी लाइट जो है वो एक्चुअली सीरीज में होती है, तो सीरीज इसीलिए इसको बोलते हैं कि सारी लाइट सीरीज में होती है। हाँ, लेकिन जो अल्टरनेट लाइट होती है, मतलब दो वायर होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, मतलब ग्रीन वाली एलईडी और रेड वाली एलईडी है, तो काफ़ी बार क्या होता है ग्रीन वाली एलईडी नहीं बुझती, सिर्फ और सिर्फ मतलब रेड ग्रीन वाली एलईडी जलती नहीं है, सिर्फ रेड वाली एलईडी ही जलती है, ग्रीन वाली बुझी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल में दो लाइट है जिसमें से एक लाइट जो है ऑलवेज ऑन रहती है, दूसरी लाइट जो है वो बंद हो गई क्योंकि सीरीज में कोई एलईडी एक जो है वो खराब हो गई है इसलिए। तो पैरेलल में कितनी भी लाइट खराब हो जाए, जितनी भी लाइट को वोल्टेज मिल रहा है उतनी लाइट तो चलेगी ही चलेगी, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में कोई भी एक लाइट खराब हो गई मतलब कोई भी लाइट नहीं चलेगी क्योंकि आगे वोल्टेज जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द रिमेनिंग टू लाइट विल ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस एज बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू स्टार्टअप अ फीडबैक ऑसिलेटर रिक्वायर्ड, स्टार्टअप करने के लिए फीडबैक ऑसिलेटर चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, चाहिए तो ऐसा पूछा हुआ है, देखो नो फीडबैक नहीं नहीं चाहिए तो सही, फीडबैक ऑसिलेटर मतलब आपको ऑसिलेटर है मतलब फीडबैक चाहिए, लेकिन ऑसिलेटर में फीडबैक कैसा होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो ये आंसर है पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, और जो आपका गेन है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये बोला हुआ है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज अ पोलराइज, पोलराइज कैपेसिटर कौन सा होता है, ये पीटा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आप याद रख लेना, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वो पोलराइज कैपेसिटर होता है। नेक्स्ट, अ ट्रांसफॉर्मर विथ 110 वोल्ट प्राइमरी हैज 15:1 टर्न रेशियो, द लोड रेजिस्टेंस RL इज 120 ओहम, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज अक्रॉस द लोड जो है वो क्या दिया होगा, मतलब क्या होगा ये पूछा हुआ है। देखो अब सिंपली आपको क्या करना है, V1 by V2 इज इक्वल टू N1 by N2, ये आपको आता है क्योंकि पहले के पेपर सॉल्यूशन में मैंने आपको इक्वेशन बताया था। तो अब V1 दिया हुआ है, प्राइमरी क्या दिया हुआ है 1110 डिवाइड बाय V2 जो आपको फाइंड करना है, N1 क्या दिया हुआ है 15:1 का रेशियो मतलब 15 दिया हुआ है, तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली जो है आपको 1110 डिवाइड बाय क्या करना होगा, 1110 डिवाइड बाय 15, तो क्या आंसर आएगा आपका, 1110 डिवाइड बाय 15 करोगे तो अराउंड 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ये सिंपल है। हाँ, क्योंकि आपको पता है 15 सेवनजा कितना होता है, 15 सेवनजा कितना होता है, चलिए आप बताइए 15 सेवनजा कितना होगा, अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। हाँ, क्योंकि देखो आप ये सॉल्व करते जाओगे तो आपको मजा आएगा। हाँ, 15 सेवनजा 105 होता है ना, 15 एटजा 120 होता है, तो 15 सेवनजा 105 और 120 के बीच में मतलब 7 पॉइंट समथिंग आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 पॉइंट समथिंग एक ही है, 7.3 आंसर आएगा। हाँ, यहाँ पे जो मार्क किया है वो यहाँ पे गलत आंसर है, 88 कभी नहीं आएगा, 7.3 आंसर आएगा, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन लोडेड ट्रांसफॉर्मर अ सेकेंडरी वोल्टेज इज 1/4 द प्राइमरी वोल्टेज, द सेकेंडरी करंट इज, सेकेंडरी करंट क्या होगा ऐसा दिया हुआ है, सेकेंडरी करंट इज द 4 टाइम एज द प्राइमरी करंट होगा, कैसे होगा सर, इन द सर्टेन लोड ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वोल्टेज इज 1/4 द प्राइमरी वोल्टेज, अभी जो मैंने आपको दिया है, हाँ वही इक्वेशन जो हमने ऊपर किया था वही वाला फिर से करते हैं, V1 by V2 इज इक्वल टू क्या होता है N1 by N2,
तो सर यहाँ पे तो एन वन एन टू नहीं पूछा, यहाँ तो करंट की बात की है, लेकिन एन वन बाई एन टू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टू बाई आई वन, तो इक्वेशन आपको पता है ट्रांसफॉर्मर के लिए, और नहीं पता है तो अभी याद रख लो, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। द सेकेंडरी वोल्टेज इज वन फोर्थ द प्राइमरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज मतलब क्या है, वी टू इक्वल टू क्या होगा, वन फोर्थ ऑफ प्राइमरी वोल्टेज मतलब वी वन, वी टू इज इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ वी वन होगा, बिल्कुल होगा सर। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, वी वन बाई वी टू क्या होगा, वी वन बाई वी टू जो होगा वो वी टू यहाँ आएगा, फोर यहाँ जाएगा, तो वी वन बाई वी टू क्या होगा, फोर होगा, मतलब आई टू बाई आई वन क्या होगा, यहाँ पे फोर होगा। तो अब आई टू इज इक्वल टू फोर आई वन होगा, तो सेकेंडरी करंट इज फोर टाइम्स प्राइमरी करंट, आई टू मतलब सेकेंडरी करंट, आई वन मतलब प्राइमरी करंट, सो आई टू इज इक्वल टू फोर आई वन, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा फोर टाइम्स द प्राइमरी करंट, ऑप्शन बी जो दिया है यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज द करंट इन सीरीज आर एल सर्किट द फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, टू इंक्रीज द करंट इन द सीरीज आर एल सर्किट फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज। क्यों सर, फ्रीक्वेंसी क्यों डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस है, और जैसे आपका इम्पीडेंस बढ़ेगा, हाँ आपका सर्किट में इम्पीडेंस बढ़ेगा वैसे आपका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, और दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हो आपका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टू पाई आर सी या वन अपॉन टू पाई आर एल होता है, हाँ मतलब आर सी है तो आर मतलब, तो भी फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस जो है वो उसका ऑलवेज जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो ऑलवेज कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ द सी इन अ सीरीज आर एल सी सर्किट इज डिक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऐसा पूछा हुआ है। इफ़ द वैल्यू ऑफ सी इन द सीरीज आर एल सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, अगेन मैंने आपको जो इक्वेशन बताया वही वाला इक्वेशन, एफ सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आर सी, हाँ यहाँ पर रेजोनेंट बोला है तो आप एफ जीरो भी बोल सकते हो, जो भी फ्रीक्वेंसी बोलो, फ्रीक्वेंसी का कोई भी रेजिस्टेंस इम्पीडेंस आपका इंडक्टेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कुछ भी है सबके साथ इनवर्स रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का, हाँ सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिक्रीज तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, सी डिक्रीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ठीक है। ऊपर क्या दिया था, ऊपर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस सो आर डिक्रीजेस, तो आपको ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, टू ट्यून अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट टू अ हायर फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटेंस शुड बी, ट्यून अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट टू हायर फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस शुड बी डिक्रीज। देखो अब अगेन यही क्वेश्चन, हाँ एक ही इक्वेशन से तीसरा क्वेश्चन आया कि आपको पैरेलल सर्किट हायर फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंट करना है, तो कैपेसिटेंस जितना डिक्रीज होगा जितना कम कैपेसिटेंस उतना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो हायर फ्रीक्वेंसी करना है तो कैपेसिटेंस जो है वो कम होना चाहिए, तो एक ही इक्वेशन आपको आता है, आपके तीन क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे। नेक्स्ट, इन स्टार कनेक्टेड सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच लाइन करंट इज, देखो ये तो क्वेश्चन हमें बार बार आता है, इस क्वेश्चन को हम बार बार करते हैं। इन स्टार कनेक्टेड सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन करंट इज, इन स्टार कनेक्टेड सर्किट मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन करंट इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग फेज करंट। स्टार में मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में दिखाया है कि आई एल इज इक्वल टू आई फेज होता है, सो इन द स्टार कनेक्टेड सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच लाइन करंट इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग फेज करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन द बैलेंस थ्री फेज लोड ईच फेज हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ पावर होगा, कि टू थर्ड ऑफ पावर होगा, बैलेंस फेज लोड है तो सब में पावर जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ पावर होता है कि टू थर्ड होता है, ये जानना है, 100% तो नहीं होता, 50% भी नहीं होता, हाँ इक्वल होता है, बैलेंस मत का मतलब यही होता है, अनबैलेंस होता तो अनइक्वल होता, हाँ तो आपका टू थर्ड हो सकता था, लेकिन क्योंकि बैलेंस थ्री फेज लोड दिया है तो सब में इक्वल ही पावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस वर्ल्ड वॉर टू, तो वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू 1946 के अराउंड हुआ था, हाँ तो उसी के बाद तुरंत ही 1946, 47, 48 मतलब तो 48 में ही ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, और उसके बाद ही आपका ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वो जो है वो पिक्चर में आया, कम्युनिकेशन तो बाद में आया बहुत, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स
वैकेंसी था। तो आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इन द इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस वर्ल्ड वॉर टू, वो कौन सा होगा? ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनर्जी गैप? एनर्जी गैप क्या है? द स्पेयर बिटवीन द टू ऑर्बिटल शेल्स, मतलब जो दो ऑर्बिटल शेल के बीच में जो एनर्जी गैप होगा, हाँ उसे हम कहते हैं एनर्जी गैप ईजी। क्या कहते हैं? एनर्जी गैप ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द कॉमनली यूज पेंटावेलेंट मटेरियल इज, कॉमनली यूज पेंटावेलेंट मटेरियल कौन सा होगा? जनरली हम पेंटावेलेंट, इसमें से दिया ही ऑप्शन में एक है, हाँ आर्सेनिक, फॉस्फरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे पेंटावेलेंट है। बोरोन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये सारे कैसा है? ट्राइवेलेंट है। तो यहाँ पे बाकी सारे ट्राइवेलेंट दिए हैं, एक ही पेंटावेलेंट है आर्सेनिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ वैलेंस शेल टू द कंडक्शन शेल, इट लीव्स अ गैप, व्हाट इज दैट गैप इज कोड, इसको हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये आपका कंडक्शन बैंड है, उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है, उसके बाद वैलेंस बैंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा? होल क्रिएट कर देगा। तो बस यही तो पूछा है कि वो क्या क्रिएट करेगा? होल क्रिएट करेगा। अ ट्रांजिस्टर मे बी यूज एज ए स्विचिंग डिवाइस और एज ए वेरिएबल रेजिस्टर। ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म यही होता है, हाँ, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, यही से तो आया है ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर मे बी यूज एज ए स्विचिंग डिवाइस और एज ए वेरिएबल रेजिस्टर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन कंप्यूटर बेसिक्स व्हेन रिफरिंग टू इंस्ट्रक्शन वर्ड्स द न्यूमोनिक इज, न्यूमोनिक का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो ये पूछ लिया है, न्यूमोनिक का यूज़ क्यों होता है? कि आपका जो मतलब जो भी आपको करना है कोई इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके, तो उसको शॉर्ट एब्रीवेशन में लिखने के लिए न्यूमोनिक वर्ड का यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, ठीक है। सो अ शॉर्ट एब्रीवेशन फॉर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, इसे कहते हैं न्यूमोनिक्स। ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया है वो बिल्कुल जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज एलिमेंट फॉर स्टैटिक रैम इज, स्टोरेज एलिमेंट फॉर द स्टैटिक रैम क्या है? स्टैटिक रैम के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, याद रख लेना। डायनामिक रैम के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, आपका सीमोस, हाँ डायनामिक रैम में सीमोस का यूज़ होता है, मॉसफेट कैपेसिटर, और स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम, सबसे अच्छा डिस्क्राइब कौन करेगा? अ टाइप ऑफ मेमोरी विच एक्सेस टाइम इज सेम फॉर द ईच मेमोरी लोकेशन, हाँ बिल्कुल सही है। टाइप ऑफ मेमोरी विच एक्सेस टाइम इज डिपेंड ऑन द मेमोरी लोकेशन, रैम का टाइम मेमोरी लोकेशन का जो है वो नहीं होता, उस पर डिपेंड नहीं होता। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी रिटर्न टू ओनली वंस बट कैन नॉट रीड फ्रॉम द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, बिल्कुल नहीं, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम बिल्कुल रीड कर पाओगे रैम को। सो मास मेमोरी भी नहीं है जो रैम है वो। तो बेस्ट डिस्क्राइब द रैम क्या होगा? अ टाइप ऑफ मेमोरी इन विच एक्सेस टाइम इज सेम एज द ईच मेमोरी लोकेशन। ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। व्हाट इज द कंप्यूटर मेन मेमोरी, आपका रैम रोम दोनों जो है दोनों मेन मेमोरी है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर CPU डू नॉट अंडरस्टैंड न्यूमोनिक्स एज दे आर, दे हैव टू बी कन्वर्टेड टू, देखो माइक्रो प्रोसेसर में जैसे न्यूमोनिक्स है वैसा CPU नहीं समझ पाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको बाइनरी में कोड में मतलब जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नीड टू कन्वर्ट टू बाइनरी मशीन कोड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यू हैव टू अनलॉक अ टाइप ऑफ डायोड इन द सर्किट, यू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस इट एंड फाइंड इट टू बी 0.3 volt, द डायोड माई बी, जो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0.3 volt का वोल्टेज ड्रॉप दिया है, मतलब सीधा मैं बता सकता हूँ डायोड जो है जर्मेनियम डायोड है, अगर सिलिकॉन डायोड होता तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होता? 0.7 volt का होता। हाँ मैंने आपको बताया था कट इन वोल्टेज जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 volt होता है और सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 volt होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बायर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक यूजुअली मीन्स, द टर्म बायर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक यूजुअली मीन्स द वैल्यू ऑफ द डीसी वोल्टेज फॉर डिवाइस टू ऑपरेट प्रॉपरली, हाँ डीसी वोल्टेज का वैल्यू जिससे डिवाइस आपका प्रॉपरली फंक्शनिंग करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे जो है वो हम बायर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डायोड इज यूज इन द सेवन सेगमेंट डिस्प्ले? सेवन सेगमेंट डिस्प्ले में हम किसका यूज करते हैं? एलईडी का यूज करते हैं, एलसीडी का भी यूज करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में हालांकि दिया नहीं है। एलईडी एलसीडी दोनों का यूज होता है सेवन सेगमेंट में, लेकिन जनरली जो है वो एलईडी का यूज होता है। व्हाट टाइप ऑफ डायोड इज कॉमनली यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर इन टीवी? टीवी में हम वेरीकैप डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर से आपका ट्यूनिंग होता है, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएक्टर डायोड। हाँ, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी कहते हैं, और जो है इसे वेरिएक्टर डायोड भी कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। A blank filter rejects all the frequencies within a specific band and passes all the frequencies outside this band. Yes, question तो last paper solution में भी था। क्या answer आएगा? Band stop. Option number D is the right answer. Next question. Maximum voice frequency allowed in filtering process is? Maximum voice frequency allowed in the filtering process कितना होगा? आपका voice का maximum frequency कितना होता है? 3.4 kilohertz होता है sir. So यही answer है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अ ब्लैंक फिल्टर सिग्निफिकेंटली एटेन्यूएट्स ऑल द फ्रीक्वेंसी बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पासिस ऑल द फ्रीक्वेंसी अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नीचे की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्या करना है? एटेन्यूएट करना है, मतलब स्टॉप करना है, और ऊपर की फ्रीक्वेंसी को पास करना है, ये है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा फिल्टर है? ये हाई पास फिल्टर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द SCR टर्मिनल्स फायर्स द SCR? SCR का मतलब होता है, मैं आपको बता दूँ, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यहाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। हालांकि इस क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है, इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन आपके ऑलमोस्ट सारे पेपर में ऐसा पूछ ही लेते हैं। हाँ, 5-6 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर के पूछ ही लेते हैं, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नहीं आता है तो आंसर मत करो, आता है तो आंसर करो, अदरवाइज नहीं आता है तो आंसर मत करो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल, मतलब ये सिंपल बहुत क्वेश्चन है, आप छोटा सा भी मतलब दिमाग लगाओगे तो भी आप जो है कॉमन सेंस से भी आंसर कर पाते हो कि हम एंटर कहाँ से होने देते हैं कोई भी को, तो गेट से होने देते हैं। तो SCR में अगर आपको एंटर होना है, SCR को आपको ऑन करना है, SCR को आपको फायर करना है, तो गेट से ही होगा, इसीलिए तो उसका नाम गेट रखा हुआ है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। गेट से ही आप SCR को फायर कर सकते हो, उसके बाद गेट निकाल दो तो आपका करंट वोल्टेज जो भी होगा उसका पूरा डायग्राम है। हाँ, वैली करंट होता है, आपका पीक करंट होता है, होल्डिंग करंट होता है, तो ये सब जो होल्डिंग करंट वगैरह है उससे आपको जो है वो SCR टर्न ऑन है कि ऑफ है ये पता जो है वो चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग? जैसा पूछा हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 41 की मैं बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लेक्सिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्नल जो है आप सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल में भेज पाओ। हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एक ही चैनल से आप भेज पाओ, इसीलिए तो मल्टीप्लेक्सिंग का हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम नंबर सिग्नल को। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टू अलाउ नंबर ऑफ सिग्नल टू मेक द यूज ऑफ सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इन द PCM सिस्टम? PCM सिस्टम में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? PCM सिस्टम में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज़ होता है। क्यों 8 किलोहर्ट्ज़ होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था, आपका मैक्सिमम वॉइस फ्रीक्वेंसी अभी हमने ऊपर देखा कितना है, 3.4 किलोहर्ट्ज़। तो उसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? ट्वाइस ऑफ FM। तो FM क्या है? 3.4, तो ट्वाइस ऑफ FM करना चाहिए, मतलब जनरली जो है, हाँ, अराउंड आपका 7. मतलब आप करोगे, हाँ, तो 7. समथिंग आएगा, मतलब वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज़ का यूज़ करते हैं। जैसे आपका रेडियो चैनल है तो 20 किलोहर्ट्ज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ऑडियो के लिए, लेकिन वहाँ पे 44.1 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। वैसे ही PCM में आपका वॉइस के लिए 8 किलोहर्ट्ज़ की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। वैसे भी नियर बाय ऑप्शन कोई दिया भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट? आपको तीन कैपेसिटेंस पैरेलल में दिए हुए हैं, यहाँ लगे यहाँ पे क्या लिखा है बता देता हूँ मैं। C1 लिखा है, ये C2 है और C3 है। हाँ, C1 क्या है? 1 फेराडे है। C3 है, C2 है 3 फेराडे, ये तो दिख रहा है, और C3 है 8 फेराडे। तो क्या होगा? कैपेसिटेंस पैरेलल में मतलब सम करना है, 8 + 3 = 11 + 1 = 12 होगा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सर्किट डिस्क्राइब? यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, वो क्या डिस्क्राइब करता है ऐसा पूछा हुआ है।
तो देखो ये सर्किट दिया हुआ है सी और आर से आप आउटपुट ले रहे हो, तो मैंने आपको जब पढ़ाया है तब बताया है कि आर से आप आउटपुट लो तो हाई पास फिल्टर है। अगर यही सर्किट ऐसा होता सी से आउटपुट लेते तो क्या होता, लो पास फिल्टर होता। हाई आर से आउटपुट लो मतलब हाई पास फिल्टर, सी से आउटपुट लो मतलब लो पास फिल्टर। तो ये जो सर्किट दिया है वो किसका है, हाई पास फिल्टर का है। व्हाट इज़ द पावर इन द गिवन सर्किट, पावर क्या होगा इस सर्किट में वैसा पूछ लिया है आपको, तो पावर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे करंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो सिंपली कर सकते हो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर करोगे तो मतलब 400 मिली एम्पियर है, मतलब 0.4 एम्पियर होगा, तो 0.4 में नहीं जाना है, 4 का स्क्वायर करते हैं डायरेक्टली, तो 4 का स्क्वायर करोगे मतलब 16 होगा, और इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, 32 होगा। हाँ बाकी जीरो आप सारे एडजस्ट करोगे तो 32 आएगा, क्योंकि एक भी ऑप्शन है नहीं। ऐसा दिया होता 0.32 या 32 किलो ओहम या किलो वोट, मतलब ओहम तो नहीं यहाँ पे पावर पूछा है, तो किलो वोट, हाँ तो मतलब ऐसा कुछ भी वैल्यू दिया होता तो आपको परफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे तो सीधा ही पता है एक ही ऑप्शन है 32 वोल्ट, जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, मतलब वही। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी एस इन द गिवन सर्किट बिलो, देखो यहाँ पे अगेंस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलग अलग जो है वो करंट दिए हुए हैं और आपको पूछ लिया है यहाँ पे कि वी एस का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देख के आपको लगेगा अरे कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, हम ये करंट है दिए हुए है, सारे करंट का सम करेंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है आपको V3 9 वोल्ट, पैरेलल में वोल्टेज सेम, ये सारी ब्रांच के अक्रॉस कितने वोल्टेज होंगे, 9 वोल्ट ही होंगे, पैरेलल में वोल्टेज ऑलवेज सेम रहता है। हाँ कोई भी दो टर्मिनल के बीच के वोल्टेज फाइंड करो आप, तो देखो ये दो टर्मिनल कोई भी है ही नहीं, ये ए और बी टर्मिनल दो ही टर्मिनल है यहाँ पे। हाँ बी ग्राउंड है, ए को सप्लाई दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे ये शॉर्ट है, मतलब ये भी ए ही है, ए भी ए है और ए भी ए है, यहाँ पे ये भी ए और बी ही है, बी ग्राउंड है और ए को सप्लाई दिया हुआ है, तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा सबके क्रॉस। सो 9 वोल्ट का वोल्टेज है, 9 वोल्ट का ही रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वोल्टेज एट द पॉइंट बी एंड डी, मतलब बी टू डी इन द गिवन सर्किट, मतलब आपको यहाँ वोल्टेज फाइंड करना है ऐसा पूछा है। बी और डी के बीच में जो है आपको वोल्टेज फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे हाँ क्या होगा आपका, आपको दिया क्या है पहले देखते हैं, टोटल 28 वोल्ट जो है वो दिया हुआ है, ठीक है 28 वोल्ट दिया हुआ है। हाँ तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा, पहले तो देखो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तीनों का सम करो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जो है करंट मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा, उसका सम करोगे तो आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा आपका 28 वोल्ट दिया है और तीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टर आपको दिए हुए हैं। हाँ पहला कौन सा दिया हुआ है, 2.2 दिया हुआ है, फिर 3.3 दिया हुआ है, फिर 1.5 दिया हुआ है। इसका हम सम करोगे तो सम क्या आएगा, सम जो है तीनों का क्या होगा, 7 होगा। हाँ मतलब V इज इक्वल टू आई आर, सो V इज इक्वल टू आई आर है तो मुझे I पता है, आई नहीं पता है, आर पता है और वी पता है, सो 28 डिवाइड बाय 7 मतलब कितना होगा, 4 एम्पियर। वो 4 एम्पियर क्या मैंने फाइंड किया, करंट फाइंड किया, तो मतलब यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, 4 एम्पियर। अब इस दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लो और उसका सम कर दो, मतलब 4 इंटू 3.3 आप करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 13.2 मिलेगा, और प्लस 4 इंटू 1.5 करोगे तो सिंपली 6 आंसर मिलेगा। हाँ तो 6 प्लस क्या करना है आपको, जो पहले आंसर मिला था, पहले हमें क्या मिला था आंसर, पहले 13.2 मिला था, प्लस 6 करोगे तो 19.2 आ जाएगा, बिल्कुल वही ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ प्लस 19.2 की माइनस 19.2, देखो दो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे भी, तो ये समझ में आपको आना चाहिए। हाँ कि करंट यहाँ से रजिस्टर में ऑलवेज प्लस पे एंटर होता है, नेगेटिव से निकलता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा, मतलब प्लस 19.2 जो है वो आंसर आएगा, माइनस 19.2 जो है वो आंसर नहीं आएगा। अगर उल्टा पूछ लिया होता तो आता आंसर। हाँ उल्टा मतलब कैसे पूछते सर, अब देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसा होता, हाँ यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा था, मतलब ये वोल्टेज डायरेक्शन उल्टा होता, मतलब यहाँ माइनस दिया होता, यहाँ प्लस दिया होता, तो करंट ऐसे फ्लो होता तो बिल्कुल आता। ठीक है समझ में आया आपको,
तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, प्लस 19.2 जो आंसर आएगा। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, ऐसा पूछा हुआ है। या सर्किट वाला क्वेश्चन बहुत पूछ लिए इस क्वेश्चन पेपर में, हाँ अब तक हमने इस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, इसमें कोई भी इस क्वेश्चन पेपर में शायद इतने सर्किट वाले क्वेश्चन नहीं थे। हाँ आज के इस क्वेश्चन पेपर में हमें इतने सर्किट वाला क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपली आपके तीन रेजिस्टेंस है, तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करने का पड़ेगा तीनों का। हाँ मतलब आर वन आर टू डिवाइड बाय आर वन आर टू। देखो अब सिंपल मैं आपको बताता हूँ रास्ता, हाँ कैसे करते हैं इसको, तीनों को करने की जरूरत नहीं है। वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री, और फिर सम करो, बहुत लंबा हो जाएगा। दो रेजिस्टेंस दिए आपको 80-80 इक्वल वैल्यू के, तो इसका इक्वलेंट क्या होगा, 40 होगा। तो इसको एक रिड्यूस कर लिया हमने, 40 होगा, चलिए बढ़िया है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, 40 तो मिल गया हमें, अब नेक्स्ट जो है आपको जो है वो क्या करना है, 40 पैरेलल 60 करना है। हाँ मतलब 6 इंटू 4 करोगे तो क्या होगा, 24 होगा, डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या होगा, 2.4 होगा। मतलब हाँ मतलब आपका 240 डिवाइड बाय आपका मतलब जो भी है वो मिलेगा, मतलब 240 तो नहीं 24 मतलब 240 डिवाइड बाय 10, हाँ मतलब आपको मैं पॉइंट को निकाल के बोल रहा हूँ, तो 24 जो है वो मिलेगा। तो 24 प्लस 68 करना है, 24 प्लस 68 करोगे तो क्या मिलेगा, 92 मिल जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करंट फ्लो थ्रू आर वन आर टू एंड आर थ्री, तीनों में से एक ही करंट फ्लो होगा। तो ऐसा एक ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वन एम्पियर वन एम्पियर वन एम्पियर सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ऊपर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो अगर आपको सर्किट आते हैं तो ऐसे इसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। अब देखो पूछा है क्या, वेवफॉर्म दे दिया है और पूछा है व्हाट फॉर्म ऑफ वेवफॉर्म इज शोन हियर, ये कौन से फॉर्म का वेवफॉर्म है ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे जो आपको वेवफॉर्म दिया है, देखो यहाँ पे क्या वेरी हो रहा है ये देखना है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, फिर यहाँ पे इतना, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वेवफॉर्म है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमने बात की सेक्शन वन के पेपर सॉल्यूशन की, आज हम बात करने वाला है सेक्शन टू के भी। हाँ क्योंकि हमने सारे सेक्शन वन के जितने भी पेपर मेरे पास अवेलेबल है सबका सॉल्यूशन हमने कर लिया है, अब हम सेक्शन टू का भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज जो है, हाँ उसके बाद हम डिपार्टमेंट प्रैक्टिस भी पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन टू का डिपार्टमेंट प्रैक्टिस का जो 50 मार्क है उसका पेपर सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, इन एनी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लैंक यूजुअली रिफर्ड एज द हार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, कोई भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में किसको इंस्टॉलेशन का हार्ट कहा जाता है ऐसा पूछा हुआ है यहाँ पे। अब तक मैं आपको बता दूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को इस वीडियो को और लाइक नहीं किया है, अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दो और नोटिफिकेशन में ऑल दे दो, ताकि जो भी पेपर सॉल्यूशन मैं यहाँ पे रखता रहूँ आपको मिलता रहे और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। ठीक, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन एनी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लैंक यूजली रिफर एज ए हार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, इसको अब हार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन कहेंगे, पावर प्लांट को कहेंगे। हाँ बिल्कुल सही, पावर प्लांट जो है वो हमारा हार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेलीप्रिंटर मोटर वर्क्स ऑन द 230 वोल्ट, टेलीप्रिंटर मोटर कितने वोल्ट पे, आपका नॉर्मल 80 वोल्ट जो होता है उस पर वर्क करता है, 230 वोल्ट पावर सप्लाई है। तो ऑप्शन बी ए जो है 230 वोल्ट वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी सेल इज, कितना होना चाहिए, 2.0 वोल्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। द कैपेसिटी ऑफ द सेकेंडरी सेल डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ अबो, हाँ क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ द एक्टिव मटेरियल, डिजाइन ऑफ द प्लेट्स, द डेंसिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सब पे डिपेंड है आपका कैपेसिटी जो है वो सेकेंडरी सेल का। सो ऑल ऑफ अबो विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वी वुड गेट 100% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी व्हेन वी डिस्चार्ज द बैटरी एट द रेट, कौन से
डिस्चार्ज कौन से रेट पे करना है बैटरी को, ये दिया हुआ है. सो व्हेन वी डिस्चार्ज द बैटरी एट 10 आवर रेट तो आपका कैपेसिटी जो है 100% होगा. सो ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट, बिफोर कमेंसिंग द चार्जिंग ऑफ कन्वेंशनल बैटरी द फॉलोइंग मीटर शुड बी कैप्ट रेडी. कौन से मीटर को रेडी करना है, सेल टेस्टिंग वोल्ट मीटर, हाइड्रोमीटर और थर्मोमीटर. आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए थर्मोमीटर. ऑप्शन बी जो है यहाँ पर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है. वाइल मेंटेनिंग अ कन्वेंशनल टाइप बैटरी द पायलट सेल रीडिंग टू बी टेकन डेली. हाँ, पायलट सेल का रीडिंग आपको डेली लेना चाहिए आपका बैटरी का मेंटेनेंस अच्छे से करने के लिए, जो बहुत ही कम करते हैं एक्सचेंज में. हाँ, एक्सचेंज में आपका बैटरी लगा हुआ है तो उसका रीडिंग रेगुलरली लो. मैंने बहुत कम जगह एक्सचेंज में ऐसा देखा है कि रेगुलर रीडिंग लेते हैं. आप रेगुलर रीडिंग लोगे तो आपका बैटरी का आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो बैटरी लंबा चलेगा. मतलब आपका 4 साल चल रहा है तो उसकी जगह पर 5-6 साल, 7-8 साल मतलब चल सकता है. जनरली 10 साल तो बैटरी नहीं चलता. हाँ, लेकिन आपका जो भी लाइफ है बैटरी का वो बढ़ जाएगा बाय 1 or 2 ईयर. हाँ, तो इसीलिए आपको रोज़ रीडिंग जो है वो लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंटेनेंस फ्री सेकेंडरी सेल द टर्म VRLMEC पिटा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में. हाँ, ये आपको याद रख लेना है, वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी. VRLA बैटरी का मतलब ये होता है. हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी आपको याद रख लेना है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है. इन केस ऑफ नॉन यूज ऑफ VRLA बैटरी ओवर 6 मंथ ब्लैंक इज टू बी गिवन एंड रिमूव फ्रॉम द लोड. क्या करना चाहिए, इक्वलाइजिंग चार्ज को रिमूव कर देना चाहिए अगर आप बैटरी का यूज़ नहीं कर रहे हो तो. ठीक है, नेक्स्ट, इन कन्वेंशनल टाइप ऑफ पावर प्लांट इट इज़ मैन्युअली पॉसिबल टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द बैटरी चार्जर फ्रॉम. कितने वोल्ट से आप जो है वो आप पावर प्लांट में जो है वो मैन्युअली जो है वो चार्ज कर पाओगे. सो 44 वोल्ट टू 65 वोल्ट की रेंज में आपका होना चाहिए. ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. द बैटरी चार्जर कैन ऑल्सो बी यूज एज ए फ्लोट चार्जर इन द इवेंट ऑफ फेल्यूअर ऑफ फ्लोट रेक्टिफायर बाय यूटिलाइजिंग द ब्लैंक एसोसिएटेड विद द फ्लोट रेक्टिफायर. क्या फिल्टर एलिमेंट जो एसोसिएटेड होता है फ्लोट रेक्टिफायर के साथ, हाँ, उसको आप जो है वो रेक्टिफाई करके ये कर सकते हो. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इफेक्टिव अर्थिंग विल रिड्यूस द क्रॉस टॉक एंड नॉइज. इफेक्टिव अर्थिंग आपका क्रॉस टॉक और नॉइज जो है वो बहुत ही हायर परसेंटेज से रिड्यूस कर देगा. हाँ, सो अर्थिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सचेंज में. प्रॉपर अर्थिंग आपने किया हुआ है तो आपके कार्स इक्विपमेंट का लाइफ भी बढ़ जाएगा, आपका जो है वो कोरोजन इफेक्ट है वो भी उससे रिड्यूस होता है, आपका लाइटनिंग होता है, आपका लाइटनिंग स्पाइक्स आते हैं उस टाइम पे भी अर्थिंग जो है वो यूज़फुल होता है. अर्थिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं. वैसे ही एक क्रॉस टॉक एंड नॉइज़ जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थ इलेक्ट्रोड मटेरियल. कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड मटेरियल नहीं ऐसा दिया हुआ है. तो कॉपर तो हम यूज़ करते हैं, स्टील भी करते हैं, लीड भी करते हैं, टीन का यूज़ नहीं करते. हाँ, टीन ग्लास जो है वो अर्थ इलेक्ट्रोड मटेरियल नहीं है. द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड. रूल इलेक्ट्रोड होता है, प्लेट इलेक्ट्रोड होता है, स्ट्रिप इलेक्ट्रोड होता है, स्लीव इलेक्ट्रोड नहीं होता. स्लीव इलेक्ट्रोड थोड़ी ना होता है, स्लीव तो हम जॉइंट लगाने के लिए यूज़ करते हैं. स्लीव इलेक्ट्रोड अर्थ इलेक्ट्रोड नहीं होता. ब्लैंक इज यूज व्हेन रॉक इज फाउंड एट अ डेप्थ ऑफ 375 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. किसका यूज़ करते हैं, लीड स्ट्रिप इलेक्ट्रोड सिस्टम का यूज़ करते हैं. हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. अर्थिंग कलेक्टर इज यूजुअली अ वेरी शॉर्ट ब्लैंक बार. क्या होगा, अर्थिंग कलेक्टर इज यूजुअली वेरी शॉर्ट कंडक्टिंग बार. हाँ, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. SMPH पावर प्लांट ऑपरेट एट वेरी हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी. SMPH जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकता है. SMPH का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है तो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ SMPH ऐसा पूछा हुआ है. अरे कहाँ चला गया. हाँ, द हार्ट ऑफ SMPH पावर प्लांट इज इट्स
स्विचिंग कन्वर्टर, हार्ट ऑफ SMPS पावर प्लांट क्या है उसका, स्विचिंग कन्वर्टर है। वेल कंस्ट्रक्टेड ओवरहेड लाइन और यूजी केबल पेयर कैन इफेक्टिवली ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसीज अप टू, वेल कंस्ट्रक्टेड ओवर लाइन और यूजी पेयर केबल जो है दैट कैन ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी अप टू 150 किलोहर्ट्स, 150 किलोहर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डिवाइडिंग टोटल अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड इंटू सेवरल फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ स्मॉल कैपेसिटी इज नॉन एज, टोटल अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड को स्मॉल फ्रीक्वेंसी बैंड में आप डिवाइड कर दोगे तो उसे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फॉर ऑपरेशन ऑफ थ्री चैनल कैरियर सिस्टम वी नीड ब्लैंक ऑफ कैरियर ऑसिलेटर फॉर बोथ द स्टेशन इक्विपमेंट, फॉर अ थ्री चैनल कैरियर सिस्टम वी नीड सिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ कैरियर ऑसिलेटर फॉर बोथ द स्टेशन एंड, थ्री चैनल कैरियर सिस्टम से भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर थ्री चैनल सिस्टम द ग्रुप ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर थ्री चैनल सिस्टम के ग्रुप ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी 36.5 किलोहर्ट्ज़ होगा, इस क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसको आप याद ही रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कैरियर सिस्टम ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल इज ऑब्टेन बाय, इन अ कैरियर सिस्टम AGC दैट इज ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन बाय अ पायलट चैनल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन मैक्सिमम ऑफ ब्लैंक कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इनटू वेरियस लोड, टोटल 16 स्पीड सिग्नल जो है उसको आप ऑब्टेन कर सकते हो, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 24 चैनल FM VFT सिस्टम ब्लैंक टेलीग्राम चैनल इज असाइन विथ वन सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, ईच एंड एवरी टेलीग्राफ चैनल हमको हमें असाइन करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा, हाँ आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग 24 FM VFT सिस्टम, इसका दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ फॉलोइंग टेलीग्राफ स्पीड कैन बी ऑब्टेन, तो उससे आपको जो है वो 50 to 100 बोर्ड्स का मिलता है, ये भी पूछ लेते हैं, टेली प्रिंटर में कौन सा यूनिट का यूज़ होता है, मेजरमेंट के लिए बोर्ड्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट, सीडोट रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंज, मतलब आपका जो रैक्स है इज अ स्मॉल एक्सचेंज इट इज़ एक्सपांडेबल अप टू, कितने लाइन तक एक्सपांड कर सकते हो ऐसा पूछा हुआ है, जनरली हम 256 लाइन देते हैं लेकिन अप टू 200 लाइन्स तक जो है उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक एक्सचेंज की हम रैक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन सी डॉट एक्सचेंज ब्लैंक इज द फैसिलिटी बाई विच सब कैरियर सब्सक्राइबर कैन मेक अ कॉल टू अ फिक्स डेस्टिनेशन बाई जस्ट लिफ्टिंग हिज हेडसेट, मतलब सिर्फ हेडसेट करने से ही, उठाने से ही आपका कॉल लगे, इसे क्या कहते हैं, हॉटलाइन कहते हैं। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन सी डॉट एक्सचेंज देर आर टू टाइप्स ऑफ हॉटलाइंस फैसिलिटीज, नेमली विथ टाइम आउट एंड विदाउट टाइम आउट, हाँ विथ टाइम आउट भी हॉटलाइन होता है, विदाउट टाइम आउट का भी हॉटलाइन होता है, सो हॉटलाइन से भी दो क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे। इन सी डॉट एक्सचेंज द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सर्विस ऑफर्ड, कौन सा सर्विस ऑफर्ड नहीं होता, हाँ कॉल रिस्ट्रिक्शन सर्विस ऑफर्ड होता है, एप्सन सब्सक्राइबर सर्विस ये भी होता है, डाइवर्जन टू फिक्स अनाउंसमेंट ये भी आप कर सकते हो, डायलिंग बाई वॉइस नहीं, वॉइस से डायल नहीं कर सकते, हाँ ऐसा फैसिलिटी जो है अब तक सीडोट में नहीं आया कि आप बोलो नंबर और डायल हो जाए, मतलब मैं जैसे यहाँ के बोल रहा हूँ कि डायल कर दो कोई भी नंबर XYZ 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 X, मतलब टोटल 10 डिजिट का कोई भी नंबर मोबाइल नंबर, तो क्या डायल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसा सिस्टम सीडोट में अभी तक आया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी डॉट एक्सचेंज डाइवर्जन टू अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ सर्विस इज नॉन एज, डाइवर्जन टू सिलेक्टेड नंबर ऑफ सर्विस इज नॉन एज फॉलो मी सर्विस, हाँ मुझे फॉलो करो ऐसा कहते हैं, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी डॉट एक्सचेंज एस्टैब्लिशिंग स्पीच अमंग्स मोर देन टू सब्सक्राइबर इज कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, मतलब आप दो से ज़्यादा में बात करते हो एक साथ, तो इसे क्या कहते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हो, हाँ CC कर रहे हो, ऐसा भी काफ़ी बार बोलते हैं काफ़ी लोग, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन सी डॉट मैक्स सिस्टम ब्लैंक इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, आपका बेस मॉड्यूल BM जिसे आप कहते हो ना, वो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो इसे भी क्या भी कह सकते हो आप, इसे बेस मॉड्यूल भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी डॉट सिस्टम BRI/PRI सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय, किससे प्रोवाइड कर सकते हो आप, BRI/PRI सब कुछ ISDN से प्रोवाइड कर सकते हो, सो ISDN टर्मिनल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी डॉट 256 रैक्स सिस्टम ऑडियंस सब्सक्राइबर लाइन इज इंटरफेस बाय LLC कार्ड, LLC कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है आपका रैक सिस्टम में,
ऐसे से तो आप सब्सक्राइबर को जोड़ते हो, LIC कार्ड खराब हो गया तो उसको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट E10B का क्वेश्चन पूछा हुआ है। E10B एक्सचेंज इज कैटेगराइज अंडर, E10B एक्सचेंज कैटेगराइज अंडर स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल एक्सचेंज। E10B कैसा है? स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल एक्सचेंज है। E10B एक्सचेंज कैन बी यूज एज ए लोकल एक्सचेंज, टैंडम एक्सचेंज, ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज, ऐसे सब ऑल ऑफ अब। हाँ, जब भी ऑल ऑफ अब ऑप्शन में दिया हो तो ऑप्शन एक बार आराम से पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है कि ऑल ऑफ अब सही आंसर हो। हाँ, आपकी BSNL के एग्जाम में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, इन DDF E10B एक्सचेंज इज नॉन एज, DDF का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा हुआ है। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, यही तो होता है ED का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, इन 34 MB और 140 MBPS प्रायोरिटी ऑफ अलार्म्स आर कैटेगराइज एज, 34 MBPS और 140 MBPS प्रायोरिटी ऑफ अलार्म आर कैटेगराइज एज अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट। हाँ, मतलब 34 MBPS अर्जेंट, 140 MBPS जो है नॉन अर्जेंट, ऐसे आप अलार्म्स को जो कैटेगराइज है वो कर सकते हो आपके चैनल सिस्टम में। एंड ऑल्टरनेट कन्वर्ट, ऑल्टरनेट क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीजल इंजन इज, डीजल इंजन कैसा है? इंटरनल कंबशन इंजन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द पर्पस टू फ्लाई व्हील इन अ डीजल इंजन इज टू स्टोर अप सरप्लस एनर्जी ऑन द पावर स्टॉक्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द डीजल इंजन द लेवल ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल टू बी चेक ऑन द ब्लैंक बेसिस, डेली बेसिस पे। हाँ, आपको डेली बेसिस पे जो है वो ल्यूब्रिकेंट ऑयल का जो लेवल है वो चेक करना चाहिए आपका डीजल इंजन में, ठीक है। नेक्स्ट, इन कन्वेंशनल टाइप पावर प्लांट द करंट फ्लोइंग थ्रू SCR अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू कॉल्ड एज होल्डिंग करंट। हाँ, मैंने आपको बताया था, ऊपर भी SCR का क्वेश्चन आया था, होल्डिंग करंट वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है SCR में। सो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन पूछ लिया आपका, सो होल्डिंग करंट का वैल्यू जो है आपको देखना होता है SCR में। नेक्स्ट, ब्लैंक टैग ब्लॉक्स आर यूज इन MDF ऑफ द OCB 283 लोकल एक्सचेंज। तो क्रॉन टाइप का आप यूज़ करते हैं? हाँ, कौन सा टैग ब्लॉक का आप यूज़ करते हैं? क्रॉन टाइप का आप क्रॉन यूज़ करते हैं। हाँ, उसका मतलब वायर को निकालने के लिए, डालने के लिए, सब के लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन OCB 283 एक्सचेंज द URM प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन एक्सटर्नल PCM एंड आपका जो एक्सचेंज है उसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही पूछ लिया फिर से, इन 34 MBPS एंड 140 MBPS ऑप्टिमक्स इक्विपमेंट द विजुअल अलार्म आर प्रोवाइडेड बाय LED। किससे अलार्म बजता है? LED से बजता है। तो अलार्म हर जगह पे LED से ही होता है, आपको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन अ ब्लैंक कनेक्शन मोर देन टू डिवाइस कैन शेयर अ सिंगल लिंक। हाँ, मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं, मतलब एक ही लिंक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट कर दिए, मतलब मल्टी पॉइंट हो गया आपका, जैसे कि वाईफाई राउटर होता है। हाँ, एक ही वाईफाई राउटर है, एक ही कनेक्शन आपने लिया है, तो लेकिन वाईफाई से आप घर के 10 मोबाइल है तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हो, सो मल्टी पॉइंट हो गया। इन BSNL सर्कल ऑर्गेनाइजेशन द हेड ऑफ द सर्कल इज, BSNL के सर्कल ऑर्गेनाइजेशन है, हेड ऑफ द सर्कल कौन है? CGM, मतलब चीफ जनरल मैनेजर। इन BSNL सर्कल ऑर्गेनाइजेशन DGMs आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के नीचे कौन होता है? DGM, GM के नीचे DGM इन शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हुआ खत्म, मतलब आपका टोटल पेपर सॉल्यूशन ऑफ द 100 मार्क फॉर द JELICE 2012 कर्नाटका सर्कल जो है हमने आज किया। इस क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा सोल्यूशन तब भी आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर आपका सोल्यूशन हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे ऐसा वीडियो जो है बनाने का मोटिवेशन जो है वो मिलता रहेगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को अब तक तो सबसे पहले लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।